क्या बताएंगे कि किस प्रकार का आया और क्या हुआ क्या? पूरा इंडियन डेसी का जो है पूरा मटेरियल माल आके पूरा सबके घरों में भर गया। यहाँ पे गाड़ी तक से बह गई, सबका घर का सामान पूरा बर्बाद हो गया। हम लोग अभी 21 तारीख को फिर आया था, फिर आज आया है। घर द्वार किसी का रहने का लायक नहीं, पूरा मोहल्ला डूब गया। बोलने की परिस्थिति में नहीं, हम ऐसी हाल में हो गए। शासन प्रशासन क्या बोल रहा है? शासन प्रशासन करेंगे, मौसम खुलेगा तो बनाएंगे बोल रहे हैं। नगर पालिका से भी हम बोले नाला बनाओ, रोड बनाओ, कुछ नहीं काम हुआ। आप लोग बहुत परेशान है? हम लोग बहुत परेशान। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ घर में रहते हैं? हमारे घर में 5 लोग हैं। अभी क्या इतना भयावह स्थिति है? आप लोग सामान वामान कैसे? बहुत परेशानी, पूरा सामान बह गया। LG TV भी पूरा, जितना गद्दा तकिया सब पूरा कीचड़ पानी हो गया। तो सुना आपने इस महिला का दर्द। बेला डीला के लोग 21 जुलाई के सदमे से उबर ही रहे थे कि पिछली रात फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग फिर दहशत में आ गए हैं। आसमान से बरसती आफत के साथ बेला डीला की पहाड़ी से लोह अयस्क खदानों से मौत बहकर आ रही है। 21 जुलाई के दर्द पर मलहम लगाने के लिए जिला प्रशासन और NMDC ने राहत कार्य शुरू किया था कि पिछली रात से फिर पहाड़ी से लोह चूर्ण बहकर नगर में पहुंचा। लोग जान बचाकर भागने लगे। संतरी अधिकारी बताइए कि क्या आज फिर से क्या परेशानी हो गया आप लोग? फिर से पूरा पानी जाके पूरा देवल और क्रेक हो गया। साथ ही इससे पानी जा रहा है, देवल टूट जाने से मेरा घर में कुछ बचेगा नहीं। ये पानी कब से फिर चालू हुआ? पानी 8 बजे से चालू हुआ सुबह। हाँ, पूरा घर का सामान निकलने नहीं पाया मैं। अगर वो नाली बंद करने करने से रात के अंदर पूरा बर्बाद हो जाएगा मेरा। बेला डीला में हो रही भारी बारिश से लोगों के घरों और जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं इस आफत के बीच रिपोर्टर जलजले के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और लोगों की स्थिति का जायजा लिया। सकते हैं कि किस प्रकार से फिर से आफत बरसी है और पहाड़ियों से लगातार जो लोह अयस्क की पहाड़ी है वहाँ से तेज बारिश के साथ में मलबा आ रहा है। आप देख सकते हैं पीछे को मैं दिखाना चाहूंगा कि कैमरा मैन से बोलना चाहूंगा कि किस प्रकार से सैलाब है, पूरा खत्म कर दिया है। लोगों का घर टूट चुका है, लोग परेशान है। और जैसे कि थोड़ा देर राहत मिली थी और उसके बाद में फिर से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और आज जो लगातार बीती रात से जो बारिश गिर रहा था उसके बाद में फिर ऐसा दृश्य बना है। हम बात कराएंगे, इनका घर द्वार सब खत्म हो गया है। आप बताएंगे कि क्या परेशानी आपको क्या हुआ होगा? पूरा घर फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि दोबारा हो रहा है और लगातार यहाँ लोग परेशान हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं और मैं उनसे बात कराऊंगा। ये जो है कुछ महिलाएं हैं आप इधर और वो किस प्रकार से परेशान है आप बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से परेशानी हो रही है, क्या ये जो आफत है लगातार जब तक बारिश होगी। और मैं बताना चाहूंगा कि ये आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोग ट्राई मांग कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन NMDC और नगर पालिका की टीम यहाँ लगी हुई है लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई राहत जिस प्रकार से दिखता नजर आ रहा है। जब तक बारिश नहीं रुकेगी लगता नहीं है कि कुछ राहत पहुँचाया जा सके और लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। हालांकि लोगों को घरों से निकाल के लोग सेवा कर रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। ये जो आसमानी तूफान आसमानी आफत के साथ में बेला डीला का लोह अयस्क का जो पहाड़ का लोह चूर्ण है ब्लू डस्ट है वो शहर की ओर बढ़ गया है और तबाही का मंजर आप साफ देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो से पंजाब केसरी के लिए आजाद सक्सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।